14 मई से शुरू हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच वसुखाने के पास शिवलिंग मिलने का दावा भी किया गया है। दावे में कहा गया है कि 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग नंदी के पास मिला है। इस दावे के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सर्वे खत्म, सस्पेंस बरकरार। क्या पूरा हुआ नंदी का इंतजार? हिंदू पक्षकारों का दावा, ज्ञान वापी में मिल गए बाबा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तस्वीर में जो जगह दिख रही है वो इतिहास बदलने वाला है। इस जगह से जो मिला है उसके मुताबिक हिंदुस्तान का सदियों पुराना गौरव वापस लौटने वाला है। तस्वीर में दिख रही जगह को लेकर हिंदू पक्ष बहुत बड़ा दावा कर रहा है। ये तस्वीर ज्ञान वापी मस्जिद की है। मस्जिद के अंदर बने तालाब यानी वजू खाना की है। दावा किया जा रहा है कि इस जगह से सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। फिर क्या था, जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंची, काशी का कोना कोना बम बम बोलने लगा। हमें 100% उम्मीद थी कि उसमें जो है बाबा का दर्शन होगा और निश्चित तौर से यह हुआ। सर्वे बहुत बढ़िया हुआ और सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। अब जो कोर्ट को जो आदेश करना है वो कोर्ट आदेश करे। रहिए अगर जहां में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जान से। दरअसल सोमवार को सर्वे टीम लगातार तीसरे दिन ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। मस्जिद के अंदर हर एक कोने को छाना गया। 3 दिन के सर्वे में पश्चिमी दीवार, नमाज स्थल, वजू स्थल के अलावा तहखाने को भी खंगाला गया। हर एरिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान मस्जिद के अंदर बने तालाब यानी वजू खाना का भी सर्वे किया गया, जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के दावे के बाद हिंदू पक्ष में जबरदस्त खुशी है। काशी में बम बम के नारे गूंज रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। बाबा बस 3 दिन सर्वे हुआ है, आज तीसरा दिन था और हम लोग खुश हैं। सब लोग सर्वे बहुत अच्छे से हो गया है, सबने सहयोग किया है। बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित उद्घोष हो गया। क्या बताएं, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब में शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की माने तो शिवलिंग मिलने के दावे में दम नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग मिलने से अंदर सब झूम उठे, वहीं मुस्लिम पक्ष की माने तो अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाइयां समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही, उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। आप प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं, इसी का निर्णय न्यायालय सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ? आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हो गई या खत्म हो गई? अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। बिल्कुल संतुष्ट है। दरअसल सोमवार को मस्जिद के अंदर तालाब के आसपास सर्वे किया गया। सर्वे के लिए वजू खाने का पानी हटाया गया। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में बाबा मिले हैं। वजू खाने के पास एक शिवलिंग मिला है। दावा है कि 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला है, जो काफी गहराई तक है।